अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गवादर सी पैक। नाज़रीन, बहुत से मोटरवेज बने, ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी, मेट्रो बस बनी, लेकिन ML1 मुल्क की तारीख का अहम तरीन मंसूबा है, जिसके मुकम्मल होने के बाद पूरा पाकिस्तान एक बदला हुआ पाकिस्तान होगा। कई दहाइयों से पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रैक पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक, जिसको हम ML1 यानी मेन लाइन 1 के नाम से जानते हैं, इस मंसूबे पे काम की मंसूबा बंदी जारी है। बहुत से हुक्मरान आए, लेकिन सिर्फ बातचीत तक महदूद रहने के अलावा कुछ ना कर सके। मगर अब वक्त कोई हुक्मरान कुछ कर सके या ना कर सके, लेकिन चीन ने पाकिस्तान के लिए इस अहम तरीन मंसूबे पे काम शुरू कर दिया है। जी हाँ, कई सालों के इंतजार के बाद आखिरकार ये लम्हा आ चुका है और ये पाकिस्तान के लिए तारीखी कारनामा है, जो सरंजाम देने के लिए चीन लंबे इंतजार के बाद सरबस्ता हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काम कैसे शुरू हो रहा है और ये कब तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। नाज़रीन, लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान और चीन ने सी पैक के तहत ML1 रेलवे अपग्रेडेशन के मंसूबे को तरजीह देने पर इत्तेफाक किया। ये फैसला सी पैक अथॉरिटी, चीनी नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के दरमियान वजीर आजम के हालिया दौरा चीन में इत्तेफाक राय को पहुंचने वाले अमूर की पैरवी के लिए एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया, जिसकी मुश्तरका सदारत वजीर आजम के मुआविन खसूसी बराए सी पैक अमूर खालिद मंसूर और डायरेक्टर जनरल NDRC ने की। अब सूरत हाल ये है कि इस इजलास के बाद पाकिस्तान रेलवे मंसूबे की तफसीलात के लिए नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन से रजू कर रहा है, मतलब काम शुरू। याद रखें, NDRC के डायरेक्टर जनरल के मुताबिक मुतलका चीनी इदारे पहले ही दौरे के दौरान तय पाने वाले मुहायदों पर अमल दरामद के लिए जरूरी इकदाम कर चुके हैं। इस दौरे के बाद ML1 पे काम हंगामी सतह पर शुरू हो चुका है। जैसा कि दौरे के बाद एक और सी पैक अथॉरिटी और NDRC चीन के माबैन वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें वजीर आजम के हालिया दौरे चीन के मौका पर किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। दौरे चीन के दौरान अथॉरिटी के हुकाम की चीनी क़यादत से मुलाकातें नतीजा खेज रहीं और दोनों ममालिक के मुतलका इदारों ने मंसूबे को जल्द अज जल्द शुरू करने के हवाले से जरूरी इकदाम किए। NDRC के DG ने कहा कि चीनी इदारों ने पहले ही जरूरी इकदाम शुरू कर दिए हैं ताकि फैसलों पे अमल दरामद किया जा सके। चीन ML1 मंसूबे को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है और इस हवाले से नेशनल रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन और मुतलका इदारों के माबैन इजलास हो चुके हैं, ताकि मंसूबे के पहले मरहले पे काम शुरू करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा सके। अब पहला मरहला कितना लंबा होगा? दरअसल ये मंसूबा 3 मराहल में मुकम्मल होगा। पहला मरहला 5 साल में मुकम्मल होगा। इसमें नवाब शाह से रोहड़ी, मुल्तान से लाहौर, लाहौर से लाला मूसा तक ट्रैक के अलावा वॉल्टन एकेडमी अपग्रेड होगी। दूसरा पैकेज 7 बर्स में मुकम्मल होगा और इसके साथ केम्याड़ी कराची से हैदराबाद और आगे मुल्तान तक लाइन अपग्रेड होगी। इस तरह तीसरे पैकेज में लाला मूसा से रावलपिंडी और पेशावर तक रेलवे ट्रैक बहाल होगा और 4 बर्स में मुकम्मल होगा। ये तीनों मराहल 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें, असल काम सन 2020 में शुरू हुआ था, जब एक्नेक ने 6.8 अरब डॉलर की लागत से ML1 मंसूबे की मंजूरी दी। एक्नेक फिर मंजूरी मिलने के बाद चीन हुकूमत ने पाकिस्तान के पहले जदीद रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मंसूबा लाइन 1, तमाम टेक्निकी इंतजामी और दीगर मसाइल हल होने के बाद 6 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी के लिए एक्सिम बैंक ऑफ चाइना को भेज दिया। याद रखें, मंसूबे की इब्तदाई लागत 9 अरब डॉलर थी, जिसमें पाकिस्तानी हुकूमत की एक्टिविटी की रकम भी शामिल थी, लेकिन बाद में इसे कम करके 6.80 अरब तक महदूद कर दिया गया। इस हवाले से रेलवे सेक्रेटरी का मजीद कहना था कि लागत इसलिए कम की गई क्योंकि ट्रेन सेट्स, रोलिंग स्टॉक वगैरह मंसूबे की तकमील के दौरान दरकार नहीं है। चुनाचा जब मंसूबा तकमील के करीब होगा तो ट्रेन सेट्स, रोलिंग स्टॉक खरीदने के लिए एक और प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करके मंजूर करवाया जाएगा। नाज़रीन, इस मंसूबे के मुकम्मल ट्रैक की बात की जाए तो इस मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक और टैक्सिला से हवेलियां जाने वाले 1872 किलोमीटर लंबे ट्रैक को अपग्रेड और डबल किया जाएगा। ये फाटक फ्री ट्रैक होगा, जबकि नए और बेहतर ट्रैक से मुसाफिर ट्रेन की रफ्तार 110 से बढ़कर 160 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी। तमाम ट्रैक्स के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ और रास्ते में जदीद टेलीकॉम सिग्नल्स की तंसीब होगी, जबकि हर रोज ट्रेन की आमदोरफ्त की तादाद 34 से बढ़कर 171 हो जाएगी। याद रखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दुनिया में जहां ट्रेन की रफ्तार 300 किलोमीटर फी घंटा से तजावज कर चुकी है, ML1 पर रेलगाड़ी बमुश्किल 100 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है, और वो भी कहीं कहीं। इसकी औसत रफ्तार 65 किलोमीटर और कहीं 15 किलोमीटर फी घंटा तक गिर जाती है। इस रेलवे लाइन पर रोजाना एक सिम्त में सिर्फ
34 ट्रेन चल सकती हैं, जबकि किसी भी रेलवे के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श कारोबार यानी माल गाड़ियाँ सालाना महज 8 मिलियन टन सामान उठा सकती हैं। मुल्क की कुल माल बर्दारी में रेलवे का हिस्सा सिर्फ 4% है। नाजिन, अब ML1 मंसूबा मुकम्मल होने पर कराची और लाहौर के दरमियान का फासला सिर्फ 10 घंटे हो जाएगा, जबकि लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद माल बर्दार गाड़ियां सालाना 35 मिलियन टन सामान उठा सकेंगी और माल बर्दारी में रेलवे का हिस्सा हालिया 4% से बढ़कर 20% हो जाएगा। इसी तरह की जैसे हमने आपको बताया कि एक सिम्स में रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियों की तादाद 34 से बढ़कर 171 हो जाएगी, जबकि कराची से रोजाना आने और जाने वाली मुसाफिर ट्रेन की तादाद 40 से बढ़कर 80 हो जाएगी। इस मंसूबे से पाकिस्तान रेलवे अपना वो ख्वाब पूरा कर सकेगा जिसमें वो दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जदीद खतूत पर रेलवे को चला सके। इसके बाद पाकिस्तान में रेल के मुसाफिरों की तादाद 5.5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी, यानी तकरीबन पाकिस्तान की आधी आबादी इस ट्रेन पर सफर करती नजर आएगी। अगर इसमें लाइन 1 की तारीख के बारे में बात की जाए तो याद रखें ML1 बुनियादी तौर पर राज बरतानिया की दिफाई जरूरियात के पेश नज़र बनाएगी, जो कमर्शियल लाइन से ज्यादा स्ट्रेटेजिक रेलवे लाइन थी। इसमें कमर्शियल हिस्सा सिर्फ वो था जो खेड़ा से लाला मूसा और वहां से लाहौर से होता हुआ इंडिया की तरफ जाता था। इसके अलावा ये दिफाई जरूरियात को पूरा करती थी। वो जरूरियात आज भी अहम है, ताहम रेल पर इन्हिसार कम हो गया है। दरअसल अंग्रेजों के आने से पहले बरसगीर पाको हिंद दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था। दुनिया की GDP का 25% हिस्सा इस मुल्क के पास था। अब अंग्रेज इस मुल्क की दौलत को दोनों हाथों से लूटकर बरतानिया शिफ्ट करना चाहते थे और उन्होंने इस काम के बदले में इस मुल्क में रेलवे ट्रैक बिछाकर ताकि हर तरह से माल जल्द से जल्द हासिल हो सके और बरतानिया पहुंचाया जा सके। अब सूरत हाल ये है कि CPEC के तहत इसमें मेन लाइन ट्रैक पर दोबारा काम किया जाए और इसे दिफाई नहीं बल्कि कमर्शियल जरूरियात के मुताबिक तामीर किया जाए। याद रखें रेलवे एक मंसूबा नहीं, इस मंसूबे के साथ बाकी रेलवे के मंसूबे भी जोड़े जा चुके हैं। इस मंसूबे में मेन लाइन 2 यानी ML2 में कोटरी जंक्शन से अटक जंक्शन तक ट्रैक को अपग्रेड किया जाएगा। मेन लाइन 2 जो कोटरी सेंस से शुरू होकर अटक तक जाती है, इसकी लंबाई 1254 किलोमीटर है। ये लाइन दरिया सिंध के साथ साथ चलती है। इस मंसूबे में गवादर जैकबाबाद रेलवे लाइन की तामीर भी शामिल है, जिसका रूट जैकबाबाद खुजार बसमा पंचकूर होशाब तुरबत और गवादर है। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और इस रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद CPEC के तहत रखी गई। CPEC के सबसे बड़े मंसूबे ML1 के मुकम्मल होने पर पाकिस्तानियों को CPEC के वाजिया असरात नजर आना शुरू हो जाएंगे। नाज़रीन, आप CPEC के बड़े मंसूबे ML1 के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।